तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बलौदाबाजार जिले के बिलाईगढ़ से, जहां लकड़ी से भरे ट्रैक्टर को ग्रामीणों ने पकड़ा। जांच करने गए डिपो अधिकारी नशे में धुत मिले। बिलाईगढ़ वन विभाग के तेंदुदरहा मुड़कट्टा इलाके में लगातार पेड़ों की अवैध कटाई एवं परिवहन की शिकायत ग्रामीणों ने वन विभाग द्वारा डिपो रेंजर के पास शिकायत की। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं किया गया, जिसके चलते ग्रामीणों ने स्वयं शनिवार की रात्रि जंगल की ओर से आ रही लकड़ी से भरी ट्रैक्टर को पकड़ा। वहीं ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। इसकी जानकारी ग्रामीणों ने वन विभाग अधिकारी को दिया। वहीं अधिकारी के निर्देश पर भटगांव डिपो के अधिकारी संजय दुबे नशे में धुत घटना स्थल पहुँचा, जहाँ कार्रवाई करने के बजाय अपने वाहन में नशे में धुत सोते नजर आए। वहीं मौके में मौजूद मीडिया कर्मियों ने जब उनसे जानकारी लेना चाहा तो वे नशे के कारण उल्टा सीधा जवाब देने लगे, जिससे ग्रामीण आक्रोशित हो गए, जिन्हें बिलाईगढ़ वन विभाग अधिकारी श्री जेपी जायसवाल द्वारा समझाया गया। वहीं जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। छत्तीसगढ़ समाचार के लिए बलौदाबाजार से ब्यूरो रिपोर्ट। रात के आ रही है जंगल तरफ से लगभग 12 बजे, और हमें रात के लेके आ रही ना, मतलब काफी समय से सूचना मिल रही है कि अवैध लकड़ी यहाँ कटाई होते, नाका रेंजर मिल बांट के ट्रैक्टर में चोरी करके बेचे थे, करके हमारे समिति सूचना मिली। तो हमारे 15-20-25 आदमी रोज डेली के ड्यूटी देते रहे, तो आज पकड़े हैं। अच्छा, कौन लेके जाते रही थे ट्रैक्टर में? ट्रैक्टर में बैठे रही से घूमे के हरीश। अच्छा, वो कौन है हरीश? हरीश सर चौकीदारी है। कहाँ चौकीदार है वो? भटगांव के वन विभाग के। वन विभाग के। अच्छा, तो आप मन लगा थे कि एक संग में जो है भटगांव जो रेंजर है वो कर मिली भगत है? हाँ, रेंजर के मिली भगत है, और 2-3 बार सूचना भी दे हैं, कोई कार्रवाई भी नहीं करी से, आके देखत भी नहीं है, आए है अभी तो दारू पी के फूल सूते हैं। क्या बोले आप अपने तरफ से? क्या कार्रवाई इस पार्ट पे आप पहुंचे हैं ना ग्रामीणों की शिकायत पे कि भाई इस तरह की लकड़ी पकड़ी गई है करके, तो उस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? परिषद अधिकारी महोदय से बात हो गई है और यहाँ पे जो व्यवस्था हो रही है वो कर देंगे बस। क्या व्यवस्था आपकी तरफ से, कार्रवाई क्या की गई है ये अपन जानना चाह रहे हैं। अच्छा, क्या कार्रवाई की है अभी आप तक? आपको पहुँचे यहाँ कितने समय तक हो गया? भाई आधा घंटा हुआ है मेरे को। आधे घंटे में आप ग्रामीणों से पूछताछ किए क्या? बात नहीं हुई है और ग्रामीण से बात हो जाएगी फिर कर लेंगे।